नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले गेट फिजिक्स का एग्जाम हुआ था, तो एक तो क्वेश्चंस है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि 1/xi और t के बीच में ग्राफ पूछा था, पैरामैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए और एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का कर्व y इक्वल टू mx प्लस c होता है, और यहाँ पे m स्लोप होती है, c इंटरसेप्ट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक के लिए जो एक्साई होती है वो 1/t के प्रोपोर्शनल होता है। इफ यू विल सी द 1/xi देन इट इज गोइंग टू प्रोपोर्शनल टू t, सो इट इज द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो वी कैन से दैट इट दिस इज द पैरामैग्नेटिक लाइन। ओके, द सेकंड वाज द फेरोमैग्नेटिक। वी नो दैट एक्साई इज प्रोपोर्शनल टू 1/t माइनस tc। इफ यू विल सी 1/xi देन इट इज टर्न्स आउट टू t माइनस tc। If we compare with this line, we see that the intercept is negative. The intercept is negative, that means intercept is negative is here. So we say that this is the ferromagnetic line, and the remaining is the anti-ferromagnetic line. Stop.